हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स टू एक्सपर्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल स्टार्ट करने से पहले आपको डेसिमल टेबल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा डेसिमल क्या होता है। जो पॉइंट होता है ना, इसको हम डेसिमल भी बोलते हैं और इसे हम पॉइंट भी बोलते हैं। जब हम डेसिमल चैप्टर में पढ़ते हैं तो इसमें इस डॉट को हम डेसिमल भी बोलते हैं और पॉइंट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा वंस, थाउजेंड और लैख। ठीक है, अगर हम वंस पढ़ते हैं तो वंस के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। वंस के अंदर आ जाता है वंस, टेंस, हंड्रेड, और थाउजेंड के अंडर में आ जाता है थाउजेंड और टेन थाउजेंड, लैख में आ जाता है लैख और टेन लैख। ठीक है, वंस में कोई ज़ीरो नहीं होता, टेंस में एक ज़ीरो होता है, हंड्रेड में दो ज़ीरो होते हैं, थाउजेंड में तीन ज़ीरो होते हैं, टेन थाउजेंड में चार ज़ीरो होते हैं, लैख में फाइव ज़ीरो होते हैं और टेन लैख में छः ज़ीरो होते हैं। ठीक है, लैख और टेन लैख किसके अंडर में आता है? लैख के। थाउजेंड और टेन थाउजेंड किसके अंडर में आता है? थाउजेंड के। वंस, टेंस और हंड्रेड किसके अंडर में आता है? वंस के। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो कोई भी डॉट नहीं लगता। जैसे ही हम यहाँ पे राइट साइड में बात करते हैं तो राइट साइड में क्या होती है, डिजिट हमेशा अपॉन में आ जाती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती है। वन टेंथ मतलब वन अपॉन टेन, जब टी एच लग जाता है दैट मीन्स फ्रैक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे टी एच नहीं लगा तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी एच लगा है दैट मीन्स फ्रैक्शन की बात हो रही है। वन टेंथ, वन अपॉन टेन, वन हंड्रेड, वन अपॉन हंड्रेड, वन थाउजेंड, वन अपॉन थाउजेंड। सपोज आपके पास कोई नंबर दिया है 2, 3, 4.67। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे? तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, पहले ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम कैसे पहले लिख लेंगे, मेंशन करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड। और पॉइंट के बाद क्या शुरू होता है? पॉइंट के बाद वंस शुरू नहीं होता, पॉइंट के बाद शुरू होता है टेंथ। तो ये टेंथ है और ये आपका हंड्रेड है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को पहले लिखेंगे हम फोर वंस की प्लेस पे, दैट मीन्स फोर, थ्री टेंस की प्लेस पर है तो टेंस की प्लेस में एक जीरो होता है तो थर्टी हो गया, टू हंड्रेड की प्लेस पर है तो ये हो गया टू हंड्रेड। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड पे, राइट साइड पे आएंगे तो पॉइंट की जगह हम लगा देंगे प्लस। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जब हम टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड की बात करते हैं तो वो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो सिक्स टेंथ पे है, सिक्स टेंथ, तो दैट मीन्स सिक्स अपॉन टेन। सेवन हंड्रेड पे है, सेवन अपॉन हंड्रेड। इस तरह से अरेंज किया जाता है डेसिमल टेबल को। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है।